नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और इस समय मैं खड़ा हूं MGF टोयोटा सेक्टर 50 गुरुग्राम में और आपको दिखा रहा हूं अर्बन क्रूजर। लेकिन आपको बता दूं, इसकी जो कीमत शुरू होती है 8.40 से और जाती है 11.55 तक। लेकिन इसमें मैं कीमत का जिक्र नहीं करने वाला हूं क्योंकि आप सब लोग पहले ही देख चुके हैं इस गाड़ी के बारे में पूरा डिटेल वॉक अराउंड। मैं बताने वाला हूं, अगर आप अर्बन क्रूजर खरीदते हैं तो इसमें एसेसरीज के तौर पर क्या क्या चीजें लगवा सकते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, यहां पर डिजाइन पर जब आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कोप नजर आने वाले हैं एसेसरीज जो लगवा सकते हैं। तो जो आपका ये फॉग लैंप मिलता है, जो इसकी हाउसिंग है, चारों तरफ आप क्रोम से गिरवा सकते हैं और ये पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है क्रोम के तहत। प्राइसिंग देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दे दूंगा। और ये मैच होता है इसके अंदर, जो आपको ये क्रोम की पट्टी मिल जाती है हेडलैम्प के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, बहुत अच्छे से काम करते हैं और इससे मैच हो जाता है। और जब आप मैचिंग करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्रिल है ये क्रोम से आप गिरवा सकते हैं। और इस अर्बन क्रूजर में आपको बताऊं बहुत अच्छा लगता है, बीच में टोयोटा का लोगो इसके साथ बहुत अच्छा दिखने वाला है। साथ ही ये वाला पार्ट भी आपको मिल जाता है एसेसरीज के तौर पर, जो आप यहां पर लगवा सकते हैं और सामने से आपकी अर्बन क्रूजर पूरी तरीके से अलग हो जाती है कुछ एसेसरीज जोड़ने के बाद। और आप दिखाता हूं साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीजें और मिलती हैं। तो जब आप साइड में आएंगे तो ये वाला पार्ट आप साइड क्लैडिंग बोलते हैं, व्हील आर्च के ऊपर जो मिलता है ये भी आप लगवा सकते हैं एसेसरीज के तहत। और ये जब आप इधर चलना शुरू करेंगे तो ये पूरे जितना ये क्रोम डोर हैंडल है ये भी आपको एसेसरीज के पार्ट के तहत मिलता है। और यहाँ पर मिल जाता है बॉडी शील्ड के ठीक ऊपर, ये साइड क्लैडिंग आपको मिल जाती है, ये भी एसेसरीज के तौर पर आप जोड़ सकते हैं। और एक खूबसूरती वाला अंदाज इसमें ये जोड़ जाता है। और इसके ठीक नीचे आपको जो मिलने वाला है ये भी एसेसरीज का हिस्सा है, जो कि एक अच्छे अंदाज में आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाता है। और जब आप चलना शुरू करेंगे तो पीछे जाने से पहले और चीज दिखा देता हूं, यहां पर आपको ये वाला पार्ट आप देख लेंगे, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है जो कि इस गाड़ी को एकदम अनोखा अंदाज देने की कोशिश करता है और ये आपको बहुत जमने वाला है। जब आप रियर में आएंगे तो यहाँ पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वो स्कोप, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को एकदम अलग कर सकते हैं। तो एक क्रोम की पट्टी यहाँ से शुरू होती हुई पीछे तक जाएगी, इन दोनों टेल लैंप को आपस में जोड़ देती है और टेल लैंप भी क्रोम से घिरे हुए हैं और ये पट्टी बहुत अच्छी लगने वाली है। ये तो गाड़ी के साथ मिलता है आपको, जो जिस पर ये अर्बन क्रूजर लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली पट्टी एसेसरीज का पार्ट है। और ठीक यहाँ पर आपको इसके नीचे जहाँ पर इसकी प्लेट है ये वाला पार्ट आपको एसेसरीज के तहत इसमें मिलता है, जो कि बखूबी अंदाज इसमें जोड़ने की कोशिश करता है। गाड़ी आप पहले देख चुके हैं इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन जब आप इसे देखना शुरू करेंगे एसेसरीज के तौर पर, अपनी गाड़ी में आप स्कोप तलाशना शुरू करेंगे तो ये एसेसरीज आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं और महज कुछ रुपये खर्च करके आपकी गाड़ी सड़क पर एकदम अलग नजर आने लगेगी। और ये अर्बन क्रूजर आपको बता दूं भारतीय बाजार में दो ट्रांसमिशन विकल्प के साथ आती है, एक मैनुअल हो गया 5 स्पीड का और 4 स्पीड आपको इसमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। और जो इसका पूरा का पूरा वर्चस्व है आप सबको पता है और पहले ही मैंने इसका बताया था इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें और आपको मिलती हैं। बहुत जल्द इसका एक ड्राइव रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मुझसे कुछ रह गया कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले, मेरा इंस्टा हैंडल अमित.द्विवेदी, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।